यहाँ पे वो बनवा लो ना, एक थोड़ा सा रैंप टूट गया। नहीं नहीं, लग गया यहाँ पे। तो ये येलो टी शर्ट वाले भैया को टास्क दिया गया था कि बाइक नीचे उतारना है, बट ड्यू टू एनी रीज़न या सम और जो भी रीज़न हो, या भाई की हाइट शायद छोटी थी जो भी थी, बाइक से बाइक नीचे गिर गई और वहाँ पे लेफ्ट साइड में स्क्रैचेस वगैरह लग गए। और ऊपर से ये ब्रांड न्यू अनरजिस्टर्ड बाइक है, अभी तक इसकी रजिस्ट्रेशन किसी ने नहीं किया। चलो अब होने को कौन टाल सकता है, अब क्या ही कर सकते हैं, बाइक गिर गई, स्क्रैचेस लग गए, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। और ऊपर से पता नहीं क्या इशू आ रही है मेरे माइक के साथ, बार बार माइक ग्लिच कर जा रहा है। ये रोड के माइक में कुछ इशू है या फिर मेरे गोप्रो के वो जो 3.5 mm जैक होता है उसमें इशू है, वो पता नहीं चल रहा है, बट ये माइक बार बार ग्लिच कर जा रही है और मेरे को बार बार वो वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और इस बार हीरो ने भाई क्या बाइक बनाया XMR को, मतलब चला के मज़ा ही आ गया। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना, और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और तो चलो शुरू करते हैं अपनी बाइक रिव्यू। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्कैलर एक्सट्रीम। तो आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं हीरो की आने वाली करिश्मा XMR, जो कि 210 सीसी की बाइक होने वाली है। 210 सीसी बाइक है, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें आगे दे रखा है 100 सेक्शन का टायर और पीछे दे रखा है 140 सेक्शन का टायर, जो कि MRF की तरफ से आता है। ये बाइक प्रोड्यूस करती है क्लोज टू 25 BHP की पावर और 20 Nm का टॉर्क। और इसमें देख सकते हो हीरो ने अच्छा काम किया है, लिक्विड कूल इंजन भी है इस बार, जो कि पहले आपको जो इंपल्स वगैरह एक्सपल्स वगैरह आती थी उसके में उन्होंने वो ऑयल कूल इंजन दे रखा था, तो उससे एक बेटर एडवांस है, उसमें थोड़ा हीटिंग का इश्यू नहीं होगा। साइड में देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्लिप-ऑन हैंडल बार देख रहे हैं, जिस वजह से क्वालिटी देखो तो काफ़ी अच्छी दे रखी है। और हमें साथ ही साथ ये देखने को मिल रहा है कि हीरो ने XMR में वेव की दे रखी है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ ऑफर की है हीरो वालों ने। तो हीरो ने इस बाइक में TFT स्क्रीन दे रखी है, और हमने ये नोटिस किया कि बाइक ऑन करती तो हमने ये नोटिस किया कि इसमें हीरो ब्रांड की कोई एनिमेशन वगैरह नहीं आ रही है, डायरेक्ट सिंपल सा दे रखा है, और ऑन करती स्पीडोमीटर डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। साइड में कोई इंडिकेटर देख सकते हो, जो कि पूरी की पूरी LED सेटअप दे रखी है, आगे भी या तो ये वाला हेडलैम्प भी LED है, और पीछे से बात करें तो आपका पीछे का इंडिकेटर भी LED है। सारे साथ बात करो तो यहाँ पे एक वाइजर मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो इसको ऊपर और नीचे करने का, आपको बटन दे रखा है। और इसकी अगर डिस्क ब्रेक की बात की जाए तो आपको बाइब्रे के डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, जो कि 300 mm के साइज़ के हैं, और अच्छे खासे आपको KTM के ब्रांड में भी बाइब्रे के दिख जाते हैं। पीछे आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, जो कि ये भी बाइब्रे के कैलिपर्स हैं, सिंगल पिस्टन, और उसकी अलॉय व्हील्स की आप देख सकते हो साइज काफ़ी अच्छी है। बाकी ट्रिप लेते हैं, टेस्ट राइड बाइक के मज़े लेते हैं, और थोड़ा सा एक कारण तो ही क्या था बाइक भैया ने थोड़ी सी गिरा दी थी, बट कोई बात नहीं, सिंगल सिलेंडर में काफ़ी अच्छी पुल देने वाली है। और इस ऑक्सीजन सेंसर देख सकते हो बहुत आगे दे रखा है, जबकि जनरली पीछे वाली बाइक्स में यहाँ पे दे रखा रहता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। बाकी ये रेड कलर काफ़ी वाइब्रेंट कलर दिखता है और चलाने में काफ़ी स्मूथ। इसकी सीट हाइट बात करो तो 810 mm की सीट हाइट है, ग्राउंड क्लियरेंस का मुझे आइडिया नहीं, ग्राउंड क्लियरेंस भी देखना है। कोई चलना है आपको, चल रहे हो या मैं अकेले जाऊँ? और तो बैठने में बाइक काफ़ी प्लांटेड है, मतलब मैं एकदम अपराइट पोजीशन पर बैठा हूँ, ज़्यादा धूपना नहीं पड़ रहा है, इसकी हेडलाइट्स को थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। अब इसको अभी जैसे कस्टमर की बाइक है तो उसको ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पुल वगैरह नहीं करेंगे, तो लेते हैं फर्स्ट गियर। इस साइड ले लो ना, कोई बात नहीं, इधर ही चल रहे हैं। तो देखो तो अभी इसमें जीरो का स्पीड बता रहा है, क्योंकि भाई एक कनेक्टेड नहीं है, बाइक चलने में काफ़ी स्मूथ है। देखो मैंने वो वाली चलाई थी X200S, तो उससे तो काफ़ी बेटर पोस्टर मेरे को लग रहा है, थोड़ा सा एग्रेसिव, उतना भी एग्रेसिव नहीं कहेंगे, बट उससे बेटर कम्फर्टेबल पोस्टर मेरे को लग रहा है, मतलब थोड़ा सा स्पोर्टी लुक के अब हिसाब से मैं बता रहा हूँ भाई। तो हीरो जो ने स्पोर्ट्स ट्यूरर बाइक बनाई है, इसको बैठने के बाद भाई क्या मतलब उसका लुक आ रहा है, इसका भी लुक चेकआउट करो। तो इसका जो कॉकपिट व्यू आ रहा है बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, और साथ में हीरो ने इसमें क्लिप ऑन हैंडल बार्स दे रखे हैं, तो भाई काफ़ी अच्छी फील देती है। बाकी ये काफ़ी भीड़ भाड़ वाला एरिया, तो हमने बाइक ज़्यादा पुल करके चेक नहीं कर पाया, क्योंकि भाई कोई भी कहीं भी सामने वामने से आ जा रहा था, और तो इतनी ट्रैफिक थी कि बाइक को भगाया नहीं जा सकता था। अगर हम बाइक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो आप साइड में देख सकते हो टेम्परेचर,
तो ये लेफ्ट साइड में टेम्परेचर है, राइट साइड में आपका फ्यूल इकोनॉमी बता रहा है, और आपका बीच वाला जो गोल वाला गेज देख रहा हूँ ये आपका आरपीएम का लेकर है। तो आरपीएम आपको 10,000 तक का लिमिट दे रखा है, बट 10,000 पे लिमिट आ जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे देखो तो ऑडोमीटर यहाँ पे दे रखा हुआ है, 1 किलोमीटर तक बाइक चल चुकी है। बाइक अगर 25 पेज की पावर जो है ना वो मेरे को लाइक अच्छा फील दे रही है एज़ कम्पेयर टू यामाहा की R15। तो जैसे इसके 3 कंपीटर्स आपके, एक तो सुजुकी सुपर 250 आती है, दूसरी आती है आपकी यामाहा R15 और 200 cc में, और तीसरी आपको पल्सर RS 200 कर सकते हो। बट वो भाई आपको पता है पल्सर RS 200 पिछले 10 साल वाली आ रही है, कुछ खास चेंजेस नहीं होने, ये BS6 इंजन काफ़ी रिलायबल होने वाली है। दूसरी तरफ चौथे गियर में हो और फिर भी एकदम स्लोली स्लोली, मतलब कोई झटके वगैरह नहीं, आराम से चलती है। तीसरे गियर को उठाना पड़ रहा है, गियर अटक रहा है। तो बाइक लेफ्ट साइड गिर जाने की वजह से इसका जो गियर चेंजर था वो थोड़ा सा अंदर की तरफ चला गया था और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो गियर चेंज करना काफ़ी मुश्किल पड़ रहा था। तो थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइजेस बढ़ के आ रही होगी क्योंकि भाई माइक ग्लिच कर गया था, तो थोड़ा सा बेयर कर लो। होप करता हूँ भाई अगली बार से ऐसा GoPro के साथ कोई ग्लिच वगैरह ना हो और ऐसी ऑडियो इश्यूज ना हो नेक्स्ट वीडियो से। क्या यार पीछे कार वाला टैक्सी वाला बना रहा है, आई थिंक बाइक का वेट 170 kg समथिंग होना चाहिए, 200 kg के हिसाब से सही वेट है। बाइक जनरली 300 cc बाइक का, 172 तो ये चीज़ ज़रूर नोटिस करना, बाइक थर्ड गियर में है और उसके बावजूद भी बहुत आराम से उठ रही है, लाइक स्टॉल नहीं कर रही है, एकदम स्मूथली उठ रही है और आपको ये इतने भीड़ भाड़ वाले एरिया में डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर रही है। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो इस बार हीरो ने काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी ये स्मूथ चलने वाली बाइक बनाई है, इसमें कोई भी कुछ झटके वगैरह नहीं लग रहे हैं, कोई इश्यूज नहीं आ रहे हैं। और अभी देख सकते हो इतना मार्केट एरिया था तो लाइक बाइक उतना भी हीट वगैरह कर नहीं रही थी, नॉर्मल चल रही थी। तो सिंस आप लोग को ये बात पता ही है कि हीरो का हाल ही के साथ कोलाब्रेशन चल रहा है, तो एक्सपेक्ट करो कि इस वाली बाइक का भी 400 cc वर्जन आएगा, पक्का आएगा, क्योंकि इम्पल्स 400 ऑलरेडी आने वाली है। तो ये थी हीरो की XMR बाइक की रिव्यू जो कि मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट डाउन करके बताओ कि आपको कैसी लग रही है, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लग रही है। इसका येलो कलर भी अच्छा लगता है बट मेरे को ये तो ये रेड वाला कलर काफ़ी वाइब्रेंट लग रहा है, आप दिन में निकल जाओ रात में लेके चले जाओ काफ़ी नोटिसेबल है, लोग इसे नोटिस ज़रूर करेंगे। तो अगर आपको भी ये बाइक लेनी है या हीरो की कोई दूसरी बाइक लेनी है तो आप विज़िट कर सकते हो हीरो सफ़ायर जो कि जामिया के पास पड़ता है, ओखला की तरफ पड़ता है। आप लोग अपना जाओ यहाँ पे ग्रैब डील कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा ऑफर्स मिल जाएंगे यहाँ पे। और दूसरा ये भी थोड़ा बाहर वाला आउटलेट है तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ वगैरह नहीं रहती है, तो आपको स्मूथली सारा प्रोसेस हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन, अपने ओपिनियंस कमेंट डाउन करो इस बाइक को लेके और शेयर करो अपने दोस्तों के बीच। मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।